अरे प्रणाम सुधीर भैया। प्रणाम प्रणाम अनुज, क्या हालचाल भाई? बस ठीक ही है, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक है अनुज। आई कौची रोज रोज मर तो कागज पत्तर लेके बैठ जाते हो तुम। ये अपना वो प्रसार और जांच वाला फार्म है, ये भरना तो आसान है पर डर लगता है कहीं गलत हो गया तो। जानकारी तो हमको भी है भाई, लेकिन यही है कि कोई अगर बता देता तो फार्म आसानी से भरा जा सकता था। हाँ। अब लेकिन बताएगा कौन? हाँ अरे हाँ, वो जो अपने ट्रेनर भैया हैं उनसे पूछते हैं, उनको जरूर मालूम होगा। अरे हाँ हाँ, उन्होंने तो हमारी ट्रेनिंग कराई थी, उन्हें तो जरूर पता होगा फार्म भरने के बारे में, उनसे ही पूछते हैं। ठीक है, हम अभी ट्रेनर भैया को फोन मिला करके पूछते हैं। हेलो, प्रणाम प्रणाम ट्रेनर भैया। प्रणाम प्रणाम, हम सुधीर बोल रहे हैं सुजावलपुर गाँव से। हाँ सुधीर, बताओ कैसे हो, सब काम ठीक से चल रहा है ना? जी सब ठीक से चल रहा है, पर एक जानकारी चाहिए थी। जी भैया, वो प्रसार और जांच वाला जो फार्म है उसको ठीक से कैसे भरा जाए इसके बारे में जानकारी चाहिए। देखो सुधीर, आप लोग नए वीआरपी हैं तो फॉर्म भरने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपके ही गाँव में आभा दीदी है जो पुरानी वीआरपी है, वो आपको न सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया बल्कि प्रसार से पूर्व की तैयारी, प्रसार और जांच की प्रक्रिया सबके बारे में जानकारी दे सकती हैं। आप जाके उनसे मिल लीजिए। जी ठीक है, हम आभा दीदी से ही पूछ लेंगे। प्रणाम, चलिए चलते हैं। चलिए। जैसा भी होगा बता देंगे, आभा दीदी से पूछेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाता है और हिसाब से कर लेंगे। अरे वो रही आभा दीदी, लगता है किसी समूह की बैठक में जा रही है। प्रणाम आभा दीदी। प्रणाम प्रणाम। अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी में लग रहे हो तुम दोनों, सब कुशल मंगल है ना? जी दीदी सब कुशल मंगल, हम दोनों आप ही को ढूंढने आ रहे थे। हमको ढूंढने आ रहे थे, का है? वो दीदी बात ये है कि। अच्छा समझ गई, फार्म भरने में उलझ गए आप लोग। हाँ दीदी यही बात है, हमें फार्म ठीक से भरना बता दीजिए ना। अरे कोई बात नहीं, फार्म भरना बहुत सरल है। आप लोग एक काम कीजिए, कल सुबह हमारे घर आ जाइए, वहीं पर हम समूह के बाकी लोगों को वीडियो दिखाएंगे, उन्हीं के साथ हम तुम्हें भी अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है ना? ठीक है, आ जाएंगे। तो ठीक है फिर, कल सुबह 10 बजे, अभी हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। अरे आ गए आप, चलिए 10 बजने ही वाले हैं, आज आभा दीदी से सीखने के बाद फार्म भरना और भी आसान हो जाएगा। चलो चलो, समूह के लोग भी आने ही वाले होंगे। आभा दीदी, आभा दीदी। प्रणाम आभा दीदी। प्रणाम प्रणाम, आ गए आप लोग, बाकी दीदी लोग भी वीडियो प्रसार के लिए आती ही होंगी, चलिए चलिए। दीदी हम थोड़ा पहले इसलिए आ गए थे ताकि कोई काम रह गया हो तो हम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ खास काम बाकी नहीं रह गया है, हम कल ही सब तैयारी कर लिए थे। और हाँ आप लोग भी, जब बाकी लोगों को वीडियो दिखाइएगा तो एक दिन पहले से सारी तैयारी कर लीजिएगा, जैसे पी को चार्ज करना, और हाँ वीडियो को चला कर देखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझाया जा सके, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए जा सके। और हाँ ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि समूह के जो भी लोग
वीडियो देखने आने वाले हैं, उन्हें एक दिन पहले से समय और स्थान की याद दिला दी जाए। प्रणाम दीदी लोग, ठीक हैं? ठीक है। कल सुबह 10 बजे वीडियो देखने आना है, याद है ना? याद। आ जाइएगा कल सुबह, ठीक है, हमारे घर पर। अच्छा, चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कल सुबह 10 बजे वीडियो देखने आइएगा, याद है ना? ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे हमारे घर पर। अच्छा, चलते हैं। प्रणाम। और हाँ, हर वीडियो को दिखाने से पहले उसकी अति आवश्यक बातें लिख लीजिएगा, साथ ही उसे समूह के सदस्यों को भी अच्छी तरह से समझाइएगा। पर दीदी, ये अति आवश्यक बातें क्या होती हैं? हर विधि की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें अगर समूह के सदस्य पूरी या ठीक तरह से नहीं अपनाएंगे तो वह विधि सफल नहीं होती है। और दीदी, अगर इस विधि में कोई एक बात छूट गई तो क्या होगा? किसी भी सदस्य ने अगर एक भी अति आवश्यक बात को पूरी या ठीक तरह से नहीं अपनाया तो उन्हें उतना फायदा नहीं होगा जितना कि इन सभी अति आवश्यक बातों को अपनाने से होता। दीदी, पर हर विधि की कौन सी अति आवश्यक बातें हैं, ये कैसे पता चलेगा? हर वीडियो के अंत में अति आवश्यक बातें लिखी होती हैं, जिन्हें हमें अपने रजिस्टर पर भी लिखना होता है। चलिए, अब हम लोग फार्म भरने के तरीके के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर पहले वीडियो का नाम लिखना है। यहाँ पर वह विषय आएगा जिसके बारे में हम समूह के लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं। जैसे हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विधि से गेहूं की रोपाई, क्योंकि इससे हम लोगों को यह जानकारी दे रहे हैं कि श्री विधि से गेहूं की रोपाई कैसे की जाए अच्छी फसल के लिए। समझे? समझ गए दीदी, अब पूरी तरीके से समझ गए। अब इससे नीचे वाली जगह पर मध्यस्थ का नाम भरना है। मध्यस्थ का मतलब वह व्यक्ति जो समूह के लोगों को वीडियो की सारी बातें समझा रहा है। जैसे दीदी, आज आप सबको ये वीडियो दिखा रही हैं, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर उसी व्यक्ति का नाम आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शुरू समय, जिस समय भी वीडियो शुरू हो रहा है, सुबह, दोपहर या शाम, उसके आगे निशान लगाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम वो तारीख भरेंगे जब हम समूह के लोगों को वीडियो दिखा रहे। अब यह बहुत जरूरी भाग है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम उन दो समूहों का नाम लिखेंगे जिन्हें हम यह वीडियो दिखा रहे हैं। मतलब दीदी, हम कई समूहों को भी एक साथ वीडियो दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हम यहाँ अभी अपने दोनों समूहों का नाम लिख देते हैं। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर हमें स्थान की जानकारी भरनी है, तो सबसे पहले ग्राम संगठन का नाम जिसके अंदर हमारे ये समूह आते हैं। ठीक है दीदी। दीदी, इसके बाद गांव का नाम है, यानी जहाँ ये वीडियो दिखाई जा रही है उस गांव का नाम, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर उस गांव का नाम आएगा
जहां हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। अच्छा, तो अब सिर्फ समूह के लोगों की जानकारी रह गई है, जिसके लिए फार्म की बाईं तरफ जगह दी गई है। समय बचाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम उन लोगों के आने से पहले उनकी जानकारी यहाँ भर देते हैं और वीडियो दिखाने के बाद उनके हस्ताक्षर ले लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, लेकिन ये सदस्य का नाम तो हो जाएगा और सदस्य के पति और पिता का भी नाम हो जाएगा, लेकिन ये समूह क्रम क्या है? अच्छा ये देखिए, यहाँ हमने समूह एक और दो के नाम लिखे थे ना, तो वहीं जो सदस्य समूह एक से हैं, समूह क्रम में उनके आगे एक लिखना है, और जो सदस्य समूह दो से हैं, उनके आगे समूह क्रम में दो लिखना है। ठीक, समझ गए दीदी, समझ गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दबाजी में दोनों समूह के लोगों की जानकारी मिला देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पहले पन्ने पर समूह एक के लोगों की जानकारी लिखते हैं और पीछे की तरफ समूह दो के लोगों के बारे में लिखते हैं। फार्म भरने में बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो, अगर फार्म सही से नहीं भरा होगा तो मानदेय नहीं मिलेगा, इसीलिए फार्म ठीक से भरिएगा, ठीक है? जी दीदी, बिल्कुल ध्यान से भरेंगे फार्म। आभा दीदी, आभा दीदी, हम लोग आ गए। प्रणाम प्रणाम, आ गए आप लोग, आइए आइए। पिछली बार हमने आप सबको गेहूं के बीज उपचार विधि इसके बारे में वीडियो दिखाई थी, आप सबको अच्छे से समझ आया था ना? हाँ दीदी। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि गेहूं के बीज उपचार विधि में हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, आप में से कौन बताएगा? आप बताइए। गेहूं के बीज उपचारण के लिए गुड़, केचुआ खाद, वेवेस्टिंग पाउडर, गौमूत्र और हल्का गुनगुना पानी चाहिए। बिल्कुल सही। और इसे कितनी देर के लिए घोल में रखना चाहिए? 8 घंटे के लिए। क्या बात है, इसका मतलब आप सबको वीडियो अच्छे से समझ आ गया था, है ना? हाँ दीदी। चलिए अब वीडियो देखने के लिए हम पर्दा लगा कर अंधेरा कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पर श्री विधि से गेहूँ की रोपाई का वीडियो देखेंगे और उससे सीखेंगे, साथ ही लोगों को बताएंगे भी, तो अब वीडियो चालू करें? हाँ दीदी। देखो दीदी, एकरे बारे में यहाँ के बतलैली है कि चारों कोना बराबर होवे के चाहिए, ठीक है? दू दाना यहाँ रोपता है, दू दाना यहाँ और दू दाना यहाँ और दू दाना यहाँ। तो अभी तक आपने वीडियो से जो भी कुछ सीखा उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए। हाँ दीदी, हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। 8 इंच पर जो दूरी गेहूँ के जो लगाते हैं, तो उससे हमको क्यों लगाएं, क्या फायदा हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है और इसीलिए वह इस विधि का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते। बात यह है कि गेहूं को 8-8 इंच की दूरी पर लगाने से पौधों को सही पोषण मिलता है, जैसे धूप,
जमीन से खाद और पानी, और जब सब कुछ पूरी मात्रा में मिलेगा तो फसल भी अच्छी रहेगी। अब समझ गए ना आप लोग? हाँ दीदी। चलिए अब आगे की वीडियो देखते हैं। ये हम रोप के बतला दे छी। अब हम जाई छी, ठीक है? हमारी आज का वीडियो का विषय है श्री विधि से गेहूं की रोपाई, जिसकी चार अति आवश्यक बातें हैं। गेहूं के बीज का पहले से उपचार कर लेना चाहिए। बीज से बीज की दूरी 8 इंच की ही होनी चाहिए, साथ ही लाइन से लाइन की दूरी भी 8 इंच की ही होनी चाहिए। और हाँ, हर 8 इंच की दूरी पर 2 बीज रोपेंगे। हाँ, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि श्री विधि से गेहूं की रोपाई कितनी आसान और फायदेमंद है? हाँ दीदी, सब समझ में आ गया हम लोग के। और इस विधि में जो भी अति आवश्यक बातें हैं उनका ध्यान रखिएगा, नहीं तो फसल में मनचाही उपज नहीं मिलेगी। दीदी। अरे हाँ, आप लोगों में से दोनों समूहों के सदस्य एक एक करके आगे आएंगे आपके हस्ताक्षर लेने। अच्छा, प्रणाम। हाँ, तो आप समझ गए ना आप लोग कि फार्म कैसे भरना है? हाँ दीदी, बिल्कुल समझ गए, लेकिन अभी कुछ जगह तो जानकारी भरनी है फार्म में, ये देखिए। हाँ, ये जो जगह बाकी रह गई है इसे वीडियो देखने के बाद भरना होता है, जैसे यह सदस्य की जानकारी के नीचे वाला स्थान, वीडियो समझने में समस्याएं। यहाँ पर हम वो सवाल और परेशानियाँ भरेंगे जो समूह के सदस्यों ने पूछी हैं वीडियो देखते समय। जैसे दीदी, एक सदस्य ने पूछा था कि 8-8 इंच की दूरी पर गेहूं लगाना क्यों जरूरी है, वही ना? हाँ बिल्कुल सही, वही सवाल और परेशानियाँ यहाँ पर लिख देनी है। हर एक उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी है, समझ गए ना आप लोग? हाँ दीदी, ठीक तरीके से समझ गए। लेकिन दीदी, ये फॉरम में दायां वाला भाग तो खाली है पड़ा है। बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं आप। इस दाएं भाग की जानकारी हम तब भरेंगे जब हम लोगों के खेतों की जांच करने जाएंगे। देखिए, यहाँ ऊपर लिखा भी है, सदस्य के विधि अपनाने के बाद जब जांच करने जाएं तब नीचे भरें। ओहो, तब ये हम कहें कि फार्म तो आधे ही भरा है, तो कब जाएंगे दीदी जांच करने के लिए, बताइए? अरे भाई रुक जाइए, जब लोग इस विधि को अपना लेंगे तब हम उनके खेतों में जांच करने के लिए जाएंगे, मतलब अभी 2-3 हफ्ते हैं आपके पास। दीदी, आप जब बुलाएंगी तब हम दोनों आ जाएंगे। समझ गए ना अनुज, फॉर्म भरना अब कितना आसान हो गया है। हाँ भाई, पहले तो लगता था कि सब कुछ गलत सलत हो जाएगा, लेकिन दीदी आपने तो सारी दुविधा ही दूर कर दी, अब तो फॉर्म भरना बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है दीदी, अब हम लोग चलते हैं। प्रणाम। अच्छा, प्रणाम। जिन दीदी लोगों को हमने श्री विधि से गेहूं की रोपाई का वीडियो दिखाया था, उन्हीं में से कुछ दीदी लोगों ने अपने खेतों में श्री विधि से गेहूं की रोपाई की है, इसीलिए आज हम उनके खेतों की जांच करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी सिखा देंगे कि फार्म का यह जांच वाला भाग कैसे भरना है। दीदी, ये बात समझ में नहीं आई, जब हमने उनको वीडियो दिखा दी है और समझा भी दिया है तो खेत में जाके जांच करने की क्या जरूरत है? जांच करना इसलिए जरूरी है ताकि हम यह पता कर सकें कि दीदी लोगों ने कोई अति आवश्यक बिंदु छोड़ तो नहीं दिया है। अच्छा दीदी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम वो तारीख भरेंगे
जब दीदी लोगों ने अपने खेत में गेहूं की रोपाई की है। ठीक है दीदी। और ये दूसरे स्थानों में निशान लगाकर हमें ये जांच करनी है कि दीदी लोगों ने अति आवश्यक बात के हिसाब से रोपाई की है या नहीं, जैसे हमने उस दिन ये अति आवश्यक बातें लिखी थी वीडियो से पहले। दीदी ये क्रम तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि कोई बिंदु पहले आए या बाद में। देखिए वीडियो में जिस क्रम के हिसाब से ये बातें लिखी होती हैं हमें भी उसी क्रम में ये बातें लिखनी होती हैं, इससे समय भी बचता है और समझने में भी आसानी होती है। ठीक है दीदी, हम भी ऐसा ही करेंगे। जिस दिन जांच करने जाते हैं उस दिन को कहते हैं जांच की तारीख। जहां सदस्य के हस्ताक्षर लिखा है वहां जांच के बाद दीदी के हस्ताक्षर ले लेंगे। नीचे देखिए यहां लिखा है अपनाने में समस्याएं, यानी दीदी लोगों से हम पूछेंगे कि उनको इस विधि को अपनाने में क्या क्या दिक्कत आई और उसको लिख लेंगे ताकि आगे से उन्हें और अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अब यहाँ देखिए यहाँ मध्यस्थ के हस्ताक्षर, यहाँ पर आज तो हमारा नाम आएगा, बताइए क्यों? क्योंकि दीदी आपने दीदी लोगों को यह वीडियो दिखाया और समझाया और आज आप ही जांच के लिए जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, तो चलिए अब जांच के लिए चलते हैं। चलिए दीदी। चलिए दीदी अब आपके खेत में चलकर देख लेते हैं कि आपने श्री विधि से गेहूं की रोपाई कैसे की है। चलिए दीदी हम श्री विधि से जो गेहूं का रोपाई है उसे दिखला देते हैं आपको खेत में। अच्छा तो ये है आपका खेत, कुछ बीज तो ऊपर आने भी लगे हैं। अच्छा दीदी एक बात बताइए, आपने रोपाई किस तारीख को की थी? दीदी हम 5 दिसंबर को रोपाई किए थे। और रोपाई से पहले बीज का उपचार किया था ना आपने? दीदी हम बीज का उपचार तो हम नहीं किए थे। क्यों? केचुआ खाद नहीं मिला ना, इसीलिए बीज का उपचार नहीं किए। अच्छा अच्छा दीदी बीज से बीज की दूरी आपने कितने की रखी थी? बीज से बीज का दूरी हमने 8 इंच के रखी थी जिसने आप बताए थे। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपने कितने की रखी थी? लाइन से लाइन का दूरी भी 8 इंच रखे थे। दीदी ये दूरी आपने अंदाजे से रखी थी या माप कर? नहीं एक बार हम लोग नाप लेते हैं ना उसी तरीका से गेहूं को रोपते हैं। अच्छा लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी के बीच में आपने कितने बीज रोपे थे? बीज के दूरी में और लाइन से लाइन के दूरी में हमने 2 दाने डाले थे।
अच्छा तो दीदी आप ये बताइए कि जो हमने आपको वीडियो दिखाया था और ये जो आपने तरीका इस्तेमाल किया है, इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? दीदी वीडियो देख के अपनाने में तो परेशानी नहीं लगा, मगर थोड़ा वो लाइन से लाइन जो बना करके या थोड़ा रोपने में, इसी में थोड़ा परेशानी हुआ। अच्छा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखने में हमें अपना समय दिया और जांच करने में भी। ये सब तो हमारे लिए ना किए हैं, हमको भी तो फायदा है इसमें। अच्छा तो अब आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। और हाँ अगली बार से आप सारी अति आवश्यक बातें याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है दीदी, तो चलते हैं। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दीदी। अच्छा इस बार आप लोग भी जो भी दीदी सवालों के जवाब दें उसे अपने फार्म में जरूर भर लीजिएगा, ठीक है? दीदी और कितनी दूर है आपका खेत? बस दीदी आ गए, ये तो रहा मेरा खेत। अच्छा यही है आपका खेत? हाँ दीदी। दीदी एक बात बताइए, आपने रोपाई किस तारीख को की थी? दीदी हमने गेहूं के रोपाई 6 दिसंबर को की। 6 दिसंबर को? अच्छा रोपाई करने से पहले गेहूं के बीज का उपचार किया था ना? दीदी हम रोपाई से पहले बीज उपचार नहीं किए थे। अच्छा दीदी ये बताइए कि बीज से बीज की दूरी आपने कितनी रखी थी? दीदी बीज के बीज से दूरी हमने 8 इंच रखी थी। अच्छा और लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपने कितने की रखी थी? दीदी लाइन से लाइन की दूरी भी हमने 8 इंच की रखी थी। दीदी बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी के बीच में आपने कितने बीज रोपे थे? दीदी बीज के दूरी और लाइन से लाइन की बीज की दूरी हम 3 और 4 बीज रोपे थे। ठीक है दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहले आपने वीडियो देखने में अपना समय हमें दिया और अब जांच करने में। तो दीदी ये सब तो हमारे अच्छे फसल के लिए ही ना आप किए थे। ठीक है अब आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। दीदी अब चलते हैं। प्रणाम। और आप लोग भी अब समझ गए ना कि जांच कैसे की जाती है? हाँ दीदी बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि जांच कैसे की जाती है और जांच करना क्यों जरूरी है। और दीदी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब फार्म का हर कॉलम सही सही भर गया है, अब तो फार्म भरना बिल्कुल आसान हो गया, क्यों सुधीर? बिल्कुल ठीक है तो अब चलते हैं। चलिए दीदी।